ये रास्ता बंद कर रखा है अब। चलो अभी नहीं कंचन, अभी अब कल परसों आ जाएंगे, चलते हैं वापस, नहीं यार। रास्ता बंद है कंचन। सो कंचन के फेवरेट छोले कुलचे कैसे लग रहे हैं आपको? सच में अच्छा फील होता है ना, चिल मोड में चले जाता हूँ मैं। और दो तीन चीज एक्स्ट्रा करा के आता हूँ, बाल करवाने के साथ मैं स्पा भी करवा के आ गया। बट अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए कान्हा जी की। सो ब्रेकफास्ट में है आज सैंडविच, किस चीज के हैं ये? ये है प्याज, खीरा, मेयोनीज भी डाली, और ये मेरे तवे वाले सैंडविच। अच्छा, तुम तवे में क्यों बनवाए? मेरे को तवे पे अच्छे लगते हैं। उसने गलत लगाया है क्या ये वाला? ये नीचे इधर तो नहीं लगना था, ये ऊपर है। नहीं, वहाँ पे भी लग सकता है वो, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे श्योर? यस। ये पक्का इधर का तो नहीं था वो? तो ये तुमने डीप फ्रोस्ट क्या किया है? ये इतनी आइस जमी हुई है, इस चक्कर में फ्रिज मैंने साफ कर दिया, उसके बाद देखना जरा, मुझे देखा कि आइस जमी पड़ी है, इस चक्कर में फिर से गंदा हो जाएगा, इसलिए नहीं लगाया मैंने। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30 और हम जा रहे हैं कंचन के घर पे, क्योंकि कल है जन्माष्टमी और कंचन शायद रखेगी फास्ट, तो उसकी कुछ तैयारी वगैरह करनी है, घर पे जाना है, कुछ सामग्री सामान वगैरह लेना है कंचन को, मार्केट वगैरह भी जाके अपने घर वालों के साथ। सो अभी चलते हैं उनके घर, उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठूंगा, उसके बाद घर आ जाऊँगा, क्योंकि मेरे को थोड़े से काम है घर पे, और दिन के सारे काम हो चुके हैं, साफ सफाई, कपड़े वगैरह धो दिए कंचन ने, फ्रिज वगैरह साफ हो गई है, फ्रिज असेंबल करूँगा मैं वापस आके, और फिलहाल चलते हैं। चलें हम खाएंगे ससुराल के छोले कुलचे, अपने ससुराल के, क्योंकि सब कुछ खा चुके हैं, सब कुछ बन चुका है, फोन आया था कि क्या स्पेशल खाओगे, मैं कहा स्पेशल कुछ नहीं, ऐसे छोले कुलचे खाएंगे, बहुत दिन हो गए क्योंकि छोले कुलचे खाए वो। रास्ता बंद कर रखा है अब। चलो कंचन, अब कल परसों आ जाएंगे, चलते हैं वापस, रास्ता बंद है कंचन, नहीं। पैदल चलो फिर, ओके। छोले कुलचे तो वैसे ही लग रहे हैं ना, वही वाले लग रहे हैं, एक सेकंड, लग वैसे ही रहे ये छोले कुलचे है ना राजवी, जब पापा बाहर जाके खाते हैं। लाइट नहीं आ रही यार, डोली लाइट ऑन कर दे एक बारी। कैसे बने हैं? टेस्टी है, चटपटा है। चलो मुझे दे दो। सो कंचन के फेवरेट छोले कुलचे कैसे लग रहे हैं आपको? सच में दो प्लेट पैक करा लो, दो प्लेट पैक करा लो। सो अभी हम लोग घर से तो आ गए हैं, बट अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए कान्हा जी की ड्रेसेस लेने के लिए जन्माष्टमी के लिए, बिकॉज है कल जन्माष्टमी। सो मेरा है जन्माष्टमी का फास्ट, और मेरी बहन भी रखेगी साथ में फास्ट, है ना डोली? हाँ। हम लोग दोनों रखते हैं फास्ट, कई सालों से रखते हुए आ रहे हैं। तनु नहीं रखते? नहीं, तनु नहीं रखती फास्ट। तो हम लोग रखेंगे फास्ट, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं कान्हा जी के लिए कपड़े लेने के लिए। आप लोगों को भी दिखाऊंगी मैं कि कैसे कैसे क्यूट क्यूट से कपड़े होते हैं, ड्रेसेस उनकी। देखो आप ड्रेस ले रहे हो? बट ड्रेस के साथ हाँ ये वाला जाएगा ना, ये ब्लू है ना, ये देख पिंक ब्लू ये जा रहा है ना, एक लाइट सा वही रहा। ये किस चीज के लिए होते हैं? इसमें रख लो डॉली, इसमें रख लो। कलर हो गया, ये हमारा कलर हो
ये अच्छा लग रहा है, पैर सामने आ रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला हाँ। मुझे भी अच्छा लगा, नाम होते हैं ना मुझे बिना फास्ट के फुल डिलीवरी लाएंगे तो वो अच्छा लग रहा है। आज ही करवा लेना, शाम को ही करा, अभी करा लेना आप। हां ठीक है, ये थे एक बार देख लेंगे ना, दिखा दो आप, यही ले लो, खास फर्क तो है ही नहीं रेट का, तो वो बड़ा हो जाएगा भैया बड़ा। सो गाइस हम लोगों ने कर ली है सारी की सारी शॉपिंग जन्माष्टमी की, बाकी अब हम लोग जा रहे हैं घर पे एंड आप लोगों को हम लोग दिखाएंगे बाद में सारा की सारा, जो जो जितना भी हमने सामान लिया ना सारा कुछ आपको दिखाएंगे जन्माष्टमी वाले दिन ही, है ना। हाँ। ये पीछे बैठे नाना जी के साथ तैयार होके, हाँ पूरे के पूरे जब उनको तैयार करेंगे फिर आपको दिखाएंगे सारा श्रृंगार का सामान। सो अभी जस्ट मैंने कंचन को किया है उसके घर पे ड्रॉप और मैं जा रहा थोड़ा दाढ़ी वगैरह कटवाने की, काफी बड़ी हो गई है और हमको निकलना भी ना एक्चुअली 2-3 दिन में, हम घूमने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छी जगह जा रहे हैं, बड़ी एडवेंचरस जगह है, सो उसका भी वेट करना, आप लोगों को दिखाएंगे। और फिलहाल तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा, पहले मैं जब रायकोट जाता था तो वहाँ पे कटवा लेता था मतलब चंडीगढ़ वापस आने से पहले, लेकिन इस बार करवाया नहीं तो अभी करवा के आता हूँ, थोड़ा मुँह भरा भरा भी लगने लग जाता है। करवाने तो एक काम गया था लेकिन सब कुछ ही करवा के आ गया, मैंने तो सोचा नहीं था बाल कटवाऊंगा, बट क्या होता है ना पहले जहाँ गर्मी बहुत है थोड़ा बाहर निकालता हूँ गाड़ी, पहले मैंने सोचा था कि सिर्फ दाढ़ी कराऊंगा बाल आके करवा लूँगा, बट वहाँ पे जाके इतना मतलब अच्छा फील होता है ना, चिल मोड में चले जाता हूँ मैं और 2-3 चीज़ एक्स्ट्रा ही करा के आता हूँ, बाल कटवाने के साथ मैं स्पा भी करवा के आ गया, पूरा रिलैक्स मोड में 1 घंटा। सो अच्छा लगा, अभी मज़ा आया करवाने में सब, और अभी लेना है मुझे एक अपना फेस वॉश, वो लेके घर निकलते हैं, कंचन भी शायद घर पहुंच गई होगी। आते क्या पूछ रहे हो, कितना टाइम क्यों लग गया हैं, खुद जब पार्लर जाते हो हैं 20 चीजें कराने, मैंने कभी बोला इतना टाइम क्यों लग गया, मैं कभी पार्लर नहीं गई। ओ चल यार, अच्छा हेड वॉश सलून बाल कलर हेयर कट तो इन सब चीजों में तो फिर भी इन सब चीजों में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है, 5 मिनट आईब्रो कराने में, आज मुझे हेयर बालों का बोल रहा हूँ, बालों का बोल रहा हूँ, हेयर कट लेने जाते हो हेयर कलर कराने जाते हो कितना टाइम लगता है, उसमें 5-6 घंटे लग जाते हैं, 5-6 घंटे में, फिर भी 1 घंटे में एक स्पा करा के आ गया पहली बार जिंदगी में, और पूछ रहे हो कहाँ इतना टाइम लगा दिया, स्पा ले रहे थे बड़े मजे से तुम। अरे वो मैं चिल, अरे मैं करवाने एक ही चीज करवाने तो मैं एक ही चीज गया था दाढ़ी, लेकिन वहाँ पे जाके जब मैं रिलैक्स होता फिर मैं चिल मोड में चले जाता हूँ, फिर मैं कहता हूँ करते रहे बस, नींद आने लग जाती है ना उधर, हू केयर्स नो वन आस्क्ड यू। सो घर पे आ चुका हूँ और ये है मेरा फेस वॉश जो मैं यूज़ करता हूँ सेटाफिल का, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ कम से कम 5-6 सालों से, और जब से इसको यूज़ करना शुरू किया ना उसके बाद मैंने कोई और किया ही नहीं यूज़, मतलब इतना अच्छा मेरे को लगा। और मेरे को ना मैंने स्किन ट्रीटमेंट कराया था मुंबई में, तो वहाँ पे जो डॉक्टर थे उन्होंने मेरे को रेकमेंड किया था इसके लिए, और इसमें ना दो आते हैं, तो जेंटल स्किन है और एक ऑयली स्किन आता है, मैं जेंटल वाला यूज़ करता हूँ, और जिन जिन को मैंने बताया इसके बारे में वो भी सारे छोड़ के अब यही यूज़ करते हैं, कंचन भी यूज़ करती है, बहन भी यूज़ करती है, सब इसी पे ही है अब। सो अभी देखते हैं नहाते हैं और फिर देखते हैं खाने में क्या है, फिर खाते हैं थोड़ा, क्योंकि हम सुबह बना के चले गए थे लेकिन खाया नहीं था क्योंकि उस टाइम भूख नहीं लग रही थी, सो अब देखते हैं। तो नाना दोनों हो गया गाइज, और एक बात ज़रूरी कि जो मैं फेस वॉश के बारे में बता रहा था वो कोई पेड प्रमोशन नहीं है, वो मैं तब से यूज़ कर रहा हूँ जब उसकी एड भी नहीं आती थी टीवी पे, तो ऐसे गलत मत सोचना कि वैसे कोई प्रमोशन वगैरह है, सिर्फ नॉर्मली मैंने बताया। और देखते हैं अभी खाने में क्या है, खाने में है खाने में है पनीर भुर्जी, कंचन ने तो खा दिया। सो अभी मैं खाता हूँ खाना और आपको मिलता हूँ फिर अभी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।